तो हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा भरोसे का ही बैंक रहेगा। आप जैसे प्रतिबद्ध ग्राहकों की वजह से ही हमारी विश्वसनीयता कायम है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद सर। अब हमारे अन्य जो हमारे बीच हमारे भूतपूर्व सेवानिवृत्त महाप्रबंधक मलिक सर उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है। पंजाब नेशनल बैंक हमेशा से लीड लेता रहा है, जहाँ राष्ट्रभक्ति की बात हो, जहाँ देश के अभिमान की बात हो, देश के सम्मान की बात हो, पंजाब नेशनल बैंक ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये बहुत हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए कि ऐसे आयोजन में बैंक की महती भूमिका रही है। आज के अवसर, आज जो टॉपिक है विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस, ये वाकई पंजाब नेशनल बैंक के लिए एक पेन ऑफ पार्टीशन रहा है, क्योंकि हमारी अधिकांश शाखाएं उस समय में, हमारा कारोबार पंजाब नेशनल बैंक का मतलब अभी जो पाकिस्तान है वहाँ पे था, लाहौर में हेडक्वार्टर था, और उन तमाम चीज़ों को छोड़ के, अपनी सारी परिसंपत्तियों, अपनी आस्तियों को छोड़ के बैंक को वहाँ से वापस आना पड़ा। बैंक को ये इस विभाजन के कारण अपने कारोबार को छोड़ के आना पड़ा, और बैंक ने तो फिर भी सस्टेन किया है, यहाँ अपने हेड ऑफिस को दिल्ली में शिफ्ट किया, लेकिन बैंक से जुड़े हुए जो ग्राहक थे उनके दर्द को महसूस करने की बात है कि सारी चीज़ों को छोड़ के वो वापस आ रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है, किसी तरह से जान बचा रहे हैं और सीमा के इस पार आ रहे हैं। उस समय में बैंक ने एक जबरदस्त रोल अदा किया कि जितने भी लोग जो लोग आए, जिनके पाकिस्तान के की शाखाओं में जिनके खाते थे पंजाब नेशनल बैंक में, उनके पास अगर कोई भी एविडेंस है, पासबुक है या अदरवाइज भी कोई अगर ऐसा रिकॉर्ड है, तो बैंक ने आंख मूंद के उनको पेमेंट किया। और ये वो समय था जिसके लिए जो ग्राहक थे, जो लोग थे, उनका जबरदस्त विश्वास हुआ और वाकई हम भरोसे के प्रतीक के रूप में उभरे जो आज तक हम रहे हैं। हम आप सबों को इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए आपके प्रति आपका अभिनंदन करते हैं। कर्नल साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये एक संयोग है कि हम लोग एलुमनाई हैं साइंस कॉलेज के, और हम लोगों ने काफ़ी पुराने जो साइंस कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट की जो बहुत सारी बातें थी वो शेयर किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कर्नल साहब, आपके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं हम अपने अंचल प्रबंधक श्री बेहरा जी के प्रति, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया, श्री विजय जी के प्रति, जिन्होंने मुझे प्रेम मतलब स्नेह आदेश दिया कि आपको आना है सर, और मैं उपस्थित हूँ। आप सब के प्रति मेरा अभिनंदन, धन्यवाद। वृक्ष के रूप में है पंजाब नेशनल बैंक, आपके प्रति आभार प्रकट करता है, क्योंकि आपकी मेहनत और आपके पसीने के बल पर आज यह बैंक खड़ा है। धन्यवाद सर, आपने जो किया। अब मैं अपने माननीय अंचल प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपना हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आदरणीय कर्नल साहब, हमारा वरिष्ठ नागरिकगण, मेरा वरिष्ठ कस्टमर्स और पीएनबी परिवार के मेरा समस्त सदस्य, आज हमारा पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे की तरफ से पूरे देश ये महोत्सव मना रहे हैं, और आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं विभाजन और विभीषिका का स्मृति दिवस पालन करने के लिए। अगर जैसे कर्नल साहब बोले कि हम लोग में कोई नहीं थे उस टाइम, जिस टाइम हमारा देश स्वाधीनता हुआ और विभाजित हुआ भारत और पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ जो छवि लगी है इसको देख के लगता है कि क्या क्या विभीषिका वहाँ हुआ होगा उस टाइम में। हमारा पंजाब नेशनल बैंक जो
पाकिस्तान के लाहौर अनारकली बाजार में प्रतिष्ठा हुआ था 12 अप्रैल 1895 में, और आज तक 128 साल हो गया इसी बैंक को। और उस विभीषिका का एक दृश्य मलिक साहब अभी बोल रहे थे, आज बैंकिंग टेक्नोलॉजी का ऊपर में है, अब किसी भी कहीं भी आप जाइए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन 1947 में जब स्वाधीनता हुआ और विभाजन हुआ, उस टाइम जो लोग पाकिस्तान छोड़ के आ गए अपना जान बचा के, अपना सारे संपत्ति सारे घर द्वार छोड़ के आ गए होंगे, और उनका हमारा बैंक में क्या डिपॉजिट था, कितना सेविंग में था, करंट में था, एफडी में था, और उनके पास कोई पेपर नहीं है। किसी के पास कुछ पेपर आए, कुछ आधा पेपर आए, कोई किसी के पास पासबुक है, किसी के पास डिपॉजिट स्लिप है, उस आधार का बेसिस में उनको थैथान करने के लिए हमारा बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया कि जिसका पास जो प्रूफ मिले उसका उनका पैसा दिया जाएगा। और उस दिन से वो वृक्ष आज जो पहले पैदा हुआ था केवल 9 आदमी को लेके और 2 लाख रुपए का कैपिटल से लेके, केवल भारतीय प्रतिष्ठाता और भारतीय के लिए हुआ था, भारतीय पूंजीपति के लिए हुआ था, वो आज बढ़ के 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में, वी आर द लार्जेस्ट नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड अगर मैं बिहार का बात भी करूँ, बिहार में भी स्टेट बैंक का लगभग 720 ब्रांचेस है, और हमारा सेकेंड लार्जेस्ट PSU बिहार में विथ 700 ब्रांचेस है, करीब 700 ATM भी है, और करीब 2000 BC एजेंट्स भी काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में हमारा ब्रांचेस उपस्थित है आप लोग का सेवा के लिए। और आइए सब मिलके ये अमृत महोत्सव को और उस विभीषिका को याद करें, और हमारा स्वाधीनता के लिए इसको बजाय रखने के लिए, हमारा देश को और समृद्धि करने के लिए सारे मिलके, जरूरत पड़ेगा तो जान दे के इस देश को बचा के रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन से हमें प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। और अब आज मैं उप अंचल प्रबंधक श्री विजय सर से अनुरोध करूंगा कि आए और अपना उद्गार पकड़। आप सभी अतिथिगण का स्वागत है पंजाब नेशनल बैंक के प्रांगण में। जैसा विदित है कि हम लोग आज विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप मैथ में जाएंगे तो 4 फॉर्मूले होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मेरे ख्याल से आज वो दिन याद करने का है कि जब भी हम डिवीजन में जाते हैं तो संख्या जो है वो आधी रह जाती है, अगर मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो डबल हो जाती है। तो हम कुछ ऐसा ध्येय लेके चलें कि आगे से कोई डिवीजन ना करें, बल्कि इसमें हम मल्टीप्लाई करते चलें और अपने देश को तरक्की के पथ पे आगे लेते चलें। जहाँ तक पंजाब नेशनल बैंक की बात है, जैसा हम सभी जानते हैं ये पहला स्वाधीन बैंक था। स्वतंत्रता सेनानी लगभग सबों का हमारे पास अकाउंट था, लाला लाजपत राय, राजगुरु, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जी, और अपने हेड ऑफिस द्वारिका में अलग से एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ ये सारे रखे गए हैं देखने के लिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में लाल बहादुर शास्त्री जी का लोन अकाउंट भी था, कार लोन अकाउंट, जो कि उनके मृत्यु के बाद वो चाहते तो राइट ऑफ भी हो सकती थी, उस समय कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती थी, पर उनकी पत्नी ने, स्वर्गीय पत्नी ने बोला कि नहीं, ये मेरा फैमिली पेंशन का कागजात है और ये मेरा पासबुक है, इससे सूद समेत पूरे पैसे वसूल किए जाए, और वो अकाउंट से लिक्विडेट किया गया, पूरे इंटरेस्ट अप्रोप्रिएट पूरे इंटरेस्ट लेते हुए वो अकाउंट बंद किया गया। ये उनका काफ़ी बड़ा संदेश था जो आज कल हम लोन लेके और वापस नहीं देना चाहते हैं उन लोगों के लिए। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, इसमें बहुत से लोग फौजी भी हमारे साथ हैं। फौजियों के प्रति हमारा पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहा है पहले से भी। और जहाँ तक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात है, जब राउत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश किया था तो उनके जो बॉडीगार्ड थे उनको हमने 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पे किया था
विलिंगटन में जो वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहाँ कुछ दिक्कतें भी बैंक के साथ आई थी, क्योंकि हमारा रूल कह रहा था कि एयर टिकट आपके सैलरी अकाउंट से ही कटा हुआ होना चाहिए। वो इरेगुलरिटी के बाद भी बैंक ने यह डिसीजन लिया कि नहीं, वे हम इसको बाईपास करते हुए हम इन्हें कंपनसेशन पे करेंगे, और फाइनली 1 करोड़ का चेक हम लोगों ने उन्हें पे किया था, वो आज भी यादगार है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो इन्होंने कीमती समय हमें दिया यहाँ पर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया। सर आज पंजाब ने